विद्यानाथ मोगिर डारी जाने सूर्य की करी तपा त्यारे जाने माड़ी कोली रोदारी भगवान की बड़ी उपासना की है। और सूर्य भगवान की उपासना करने के पश्चात और उपासना करके सूर्य भगवान ने बहुत सुंदर मणि दी है। आज सूर्य भगवान ने मणि दी, सुंदर मणि को लिया, मणि लेकर के गले में डाली। आज मणि लेकर के जब गले में डाली है, अत्र कुशलम तस्त्रातु, मणि गले में डाल करके बड़ा विचार किया, बड़े अति प्रसन्न है।
द्वारकापुरी में आए हैं और जब द्वारकापुरी में आकर के बड़े प्रसन्नता से भगवत प्रेमी हो बोलो गोविंद भगवान की। आज मड़ी लेकर के और द्वारकापुरी में बड़ी प्रसन्नता सी रह रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशी आ रही है। आज जब उस मड़ी का मंदिर में रख करके पूजन करता है तब मड़ी आठ भार सोना देती है, आठ भार। पीछे बता चुका हूं मैं कि भार का वजन कितना है। श्रीमद् भागवत गवाह दे रही है कि भाई 20 तुले का एक भार होता है और यदवंश दर्पण में साफ लिखा है 3 मन 13 सिर 5 छटाक 8 मास 6 रत्ती का होता है। 8 भार सोना रोज देती है। अब तो सत्राजित बड़े अति प्रसन्न हुए, बड़ी बड़ी खुश होने लगे। हाय भगवान, अब हमसे बड़ा पैसे वाला कौन है, हमारी बराबरी पर कौन लग जाएगा। जिसके घर में 160 तोले रोज सोनो आवे क्या होगा। एक भार का वजन 20 तुले होता है तो 20 अट्ठे 160 तोले सोना हो गया। बताओ पैसे वाला कौन होगा। आज बड़े अति प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी असीम कृपा है। भगवान श्याम सुंदर, एक बिटिया 51 रुपए भेंट करके जाती है, परमात्मा उन्हें सुख शांति प्रदान करें। और क्या हुआ, आज बड़ी बड़ी खुशी के साथ सत्राजित बड़े खुश हो रहे, विचार करने लगे। हाथ देखे, उमेश भैया हमारे गले में एक पुष्पों का हार और 51 रुपए और पेंट शर्ट भेंट करते हैं, परमात्मा उन्हें सुख शांति प्रदान करें। आज बड़ा विचार करते हैं। अब सत्राजित बड़े प्रसन्न होने लगे, अब विचार करते हैं। आज हमारे पास श्यामंतक मड़ी है, भगवान कन्हैया के पास में कौस्तक मड़ी है। अब हम कन्हैया जी से कम तो है नहीं, अरे उन पे भी मरो हम पे भी मरो, फर्क इतना भी नहीं। कौस्तक मड़ी वो हमारे पास, श्यामंतक मड़ी और हमारे पास घड़ी में मड़ी है। तो अब दुनिया वालों को क्या बताए कि इसके पास क्या है। बताते हैं कि मोर नाचो का नाचो के बन में नाचो, किन्ने देखो के कौन ना देखो। तो क्या पता है नाचो है कि नहीं नाचा, कौन देखा ही नहीं है। तो और घर की छत पे नाचो तो सबने देखा। आज हमारे पास मड़ी है तो हम मड़ी को डाल करके सभा में जाएंगे यदवंशियों की, तब पता चलेगा कि इनके पास में भी मड़ी है। सुंदर मड़ी गले में डाल करके और यदवंशियों की सभा में द्वारकापुरी में जब चलते हैं, किस प्रकार ध्यान करना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मड़ी को लेकर के डाल करके गले में और जब जा रहे हैं बड़े प्यार के साथ,
सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षण। श्रीमद भागवत के विदाई के रूप में बहने हमें बहन करती हैं, परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। आज का ही दर्शन है श्री राधे और क्या राजा था आज जब और देख करके उसके गले में सुंदर मणि। अब तो कहने लगे आपस में, भैया जे जाके गले में मणि शोभा ना दे रही, जाके गले में मणि शोभा ना दे रही, अगर यही मणि कन्हैया जी के गले में होती तो कितनी शोभा देती। एक दूसरा आपस में सभी चर्चा फैल गई। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, क्या ये आपस में बात चल रही है? बोले नहीं महाराज, कुछ आपके विषय में चल रही। कैसे?
हमने ये बताया है कि ये मड़ी 17 जित के गले में शोभा नहीं दे रही, 17 जित के गले में मड़ी शोभा नहीं दे रही है। अगर ये कन्हैया जी के गले में मड़ी होती तो कितनी शोभा देती। सुनो, ये तुम गलत विचार कर रहे हो। तो कमर कीने वाले का बुरा अंजाम होता है, तो कमर कीने वाले का बुरा अंजाम होता है, भलाई छूट जाती है सदा बदनाम होता है। तो कमर कीना वाली ने तो अपनी जान खो बैठा, तो कमर कीना दस्कंदर कुटम से हाथ धो बैठा। तो कमर माने किसी की वस्तु को तकना, हड़कना। किसी की वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं है। और क्या बोले, भगवान श्याम सुंदर ने कहा मिस्टर बाबा के नाती 51 रुपए भेंट करते हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करें। आज भगवत प्रेमियों बड़ा विचार करते हैं, ध्यान मग्न होते हुए जो इतना कहा है कि मेरा इष्ट चंद्रमा है, ये सूर्य से मड़ी आई है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने कह दिया यदि राजी से दे तो अधिकार है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भैया अगर राजी से कोई दे रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अहिंसा सत्यापि परोपकार है धर्मम, सबसे बड़ा दुख क्या है, किसी की आत्मा को कष्ट देकर के किसी वस्तु का हर करना सबसे बड़ा पाप है। किसी की आत्मा को कष्ट दे, समझ लो, दुख दे दुख मिलेगा, सुख दे सुख मिलेगा, दो ही बात है। अष्टादश पुराणे व्यास वचनम द्वम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडम, एक परोपकार करना और एक किसी जीव को हिंसा करना।
परोपकार सबसे बड़ा है। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, कहने का तात्पर्य कर्तव्य सो भोगतव्य, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कोई द्वारा नहीं। आज भगवान श्याम सुंदर ने बड़ा विचार किया है। आ गई वृंदावन भाई, बहुत अच्छे, धन्यवाद। सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में आज बड़े प्रेम के साथ सत्रह जितने ये माना कि मेरी मड़ी पर कन्हैया जी का मन चले आओ, लालच हो गया। तब कह रहे कि कोई राजी थे दे तो चलो। सत्रह जित आज घर चले आए, उनके दिल में ये हो गई कि कहीं होकर के ऐसा न हो कि मड़ के लालच में हमारा बद कर दे। अच्छा, दस रुपए ठाकुर जी पे भेंट करती है, क्या मन पे बहन हमारी भेंट कर रही हैं, भगवान उन्हें सुख शांति प्रदान करें। आज बड़ा विचार कर रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, मड़ी को लेकर के सत्राजित घर पे आ गए। अब आज मड़ी लेकर के विचार करते हैं और अपने भाई प्रसेन को मड़ी दे दी कि भैया बेटा दो ना। अच्छा, हमारी का जी जे दस रुपया, हमारी का जे पांच सौ रुपया, भंडारी का जे जो भंडारो देखो फुगा, हम का फुगा देंगे। बोलो गोविंद भगवान की, जिना पतो फुगा हम ही देंगे, हमने आवते तो पुगा कहते होते, हमने कहते उनते तो बेकाऊ करा रहे ना टिंचू भैया, हमारे कहने पे ही तो ज्यादा किया। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करें। आज भगवत प्रेमियो आज प्रसेन को मड़ी दे दी कि भैया इस मड़ी को अपने पास रखो, इस मड़ी पे भगवान कन्हैया की नजर है। ना मालूम कब कितने खन क्या तूफान पड़ जाए, तो प्रसेन को कुछ ऐसा पता नहीं। प्रसेन अपने गले में डार के, और क्या हुआ, चाल करके घोड़े पर सवार होता है।
मणि धारण करके और बस पहन करके घोड़ा पे सवार होकर के हाथ में हथियार लेकर के जा रहा है। बनी का राजा शेर मिल गया। अबे कहां से आए? देव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, जो मणि गले में डाल करके घोड़े पर सवार होके जा रहा था तो बनी का शेर मिल गया और मणि देख करके एकदम प्रसन्न हो गया। तो उस शेर ने आकर के क्या कहा, दहाड़ देने लगा अपनी भाषा में, क्या कह रहा है भैया? मड़ी है नहीं आए दांती पीठ की क्या बुरे लाहर लिद दादा सुनाओ आए दांती पीठ की जाकर के थाप मारी, प्रसेन को धरती पर गिरा लिया। राजी थे ना देवे तो कुराजी थे तो लेगा, मड़ी को ले लिया और रक्त मांस उसका चाट लिया, आहार बन गया। अब शेर भी अपने गले में मड़ी डाल करके, शेर भी अपने गले में मड़ी डाल करके आज जा रहा है। प्रसेन का वध कर दिया, मड़ी डाल करके जब जा रहा है परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, जब मड़ी गले में डाल करके चला तो कहां पहुंचा? आगे गुफा थी जामंत की, भगवान कन्हैया की दूसरी रानी थी पटरानी, वो विभाव कह रहा हूं मैं।
जामंत की गुफा थी। आज उस जामंत की गुफा के सामने पहुंचा, इधर जामंत निकला तो जामंत ने क्या कहा, दिल में न शंका कीनी रे गोपा के थम न कयाओ, भगवत प्रेमियों। हेलो, आज बड़ा विचार करते हैं भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी बैठे हैं और जब मड़ की चोरी की है, प्रसन्न को मारा शेर ने मड़ली, शेर को मारा जामंत ने मड़ली, और जामंत ने मड़ी अपनी बिटिया जामंती को दे दी। आप इधर द्वारकापुरी में तहलका मचने लगा। सत्यजीत को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मड़ पर नजर केवल कन्हैया की थी, कन्हैया ने मेरे भाई प्रसन्न को मार डाला और मड़ी ले ली। देख लो, यह पक्का विचार हो गया। आज बड़ा विचार करते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, बड़ा विचार कर रहे हैं, मड़ी को गले में डाल करके और लड़की मड़ी से बड़ा खेलती है। इधर सत्यजीत बड़ा परेशान है, कहने लगे हे भगवान क्या करना चाहिए। आज सत्यजीत बड़े दुखी है। सत्यजीत प्रसेन की घरवाली रो रही है कि हे परमात्मा, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, इनका कौन साथ देने वाला है। आज मैं बड़ा दुखी हूं, कौन साथ देने वाला है। खूब रोई खुद आई, खुद आ गई पिया की, खूब रोई खुद आई, खुद आ गई पिया की।
आज बड़ा ध्यान करते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, प्रसेन की घरवाली बड़ी रो रही है। कहने का तात्पर्य, धीरे धीरे जब पता चला है कि सत्राजित के भाई प्रसेन का किसने वध किया है, एक दिन सत्राजित की घरवाली ने पूछा के पति भगवान एक बात बताओ, जब कछु दिना बीत गए तब का बात है, तुम दिन पे दिन सूखते जा रहे हो। उन्होंने कहा, देवी तुझे पता नहीं है, मेरा जवान जमान बराबरी का मेरा भाई खत्म हो गया, तो बड़ी चिंता है कि हमारा, ये तो मैं मानूंगी कि बड़ी चिंता है, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल ऐसे सूखते जा रहे हो। कछु और बात है, कछु और बात है, बिने मुख में से निकल गई। अरे और बात है, पर तुम्हारे लिए बताए भी लाख नाना, सोई हट पड़ गई। ऐसी और कौन सी बात है जो हम लायक नहीं है? हम लायक नहीं है तो फिर किस लायक है? मुझे बात बताओ। आज पीछे पड़ जाती है, मुझे बताओ। साफ साफ मुझे बताओ क्या बात है। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो फिर सत्राजित ने कहा, देवी मेन पॉइंट तो ये है, मेरे भाई को मारने वाला केवल कन्हैया है, कन्हैया ने मेरे भाई का वध किया है। जो मुझे श्यामल तक मर दी थी सूर्य भगवान ने, उस पर दृष्टि थी कि नहीं आ गया, कि ये मणि कैसे मिले। मैंने मरे अपने भैया को दी तो कहीं मिल गए तो भैया का पद उन नहीं कर दिया, उन नहीं मणि को छिना लिया। पर कहना मत किसी से, अगर तुमने किसी को बता दिया और मालूम पड़ गई कन्हैया को तो मुझे जिंदा ही फांसी पर लटका देंगे, राजा है। देखिए इतनी कड़ी बात और फिरू घरवाई ने और काउ को बता दे, कितनी बुरी बात है। जब कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर लटका देंगे और फिर भी पत्नी पति की बात दूसरे को बता रही है। पत्नी ने क्या किया? एक उनकी बड़ी परिचित थी बहन, अच्छा प्यार था, कुआ पर पानी भरने के लिए जाती थी। सुबह उठ करके दोनों बहनें मिली तो बोली, बहना तुम्हारे देवर का वध किया है, वो पता चला? बोली, बहना कोई बात छुपी थोड़ू रहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कानो काउ ना तो खुन जाते हैं।
के तो पतों पर गई कि हाँ कैसे पता पड़ा है बहन मेरी। कहने लगी बहना तुमसे मैं एक बात कह रही हूं चंदन, एक बात कह रही हूं। क्या कागुए बताइए मत बहना, मेरे पति ने जी कही कि मैं तो बता रहा हूं कागुए बताइए मत, अगर तेने बता दी तो मुझ जिंदो भांति पे चढ़ा दी तू मेरी बालापन की सकी है। पहना ते हाथ जोड़ू कागुए मत बताइए। बोली पहना आज तक मैंने तेरी बात कागुए बताई है कि अभी तक बताई ना है तभी तो बता रही हूं। मेरे देवर को भगवान कन्हैया ने माधव श्याम तक मर के लालच में ही बहना गजब हो जो उपत्य कारो हतो तो हतो बहना जी तो भीतर ती कारो निकलो भीतर से भी काला निकला अब क्या किया जाए। जो इतनी बात चली नाना ने अच्छा आए गए वे बहुत सुंदर बहुत परिचित होंगे तो हमारे हाँ ये हमारे भोला के हमारे भोले नाथ के नाना जी और 51 रुपये हमें भेंट करते हैं पचोकरा के पास अंधपुरा के बाजी हैं। और देखिए इन्होंने हमारी 2-3 भागवत सुनी है अंधपुरा में बहुत पहले सर्वप्रथम 97-98 में हमारी भागवत हुई थी वहां अंधपुरा में जो चंद्रपाल सिंह आईएएस राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश सचिव थे उनने कॉलेज बनवाई थी उस पर उन्हीं के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमने कथा पढ़ी थी। जब वहां कथा पढ़ी तब से चारों तरफ इनके यहाँ भागवत हमारी फैली स्टार्टिंग वहीं पे थी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अंधपुरा से सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परिचय गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। आज मुरली मनोहर कन्हैया जब उसने बताया है पूरी द्वारकापुरी में बात फैलने लगी क्या किया जाए। अब वो तो घर आ गई देव अपने पड़ोसी में गई जिसको बताया बेव पड़ोस में जाकर के कहने लगी अरे बहना बहना हाँ तुम्हें कछु मालूम हो। वो बेचारी मठा फिर रही सवेरी सवेरी बोली काय जी काय अगर बहना जब द्वारकापुरी में तो बड़ी बड़ी बुरी कर्म है रही क्यों तुम्हें ना मालूम करना है। बहना कागुए बताइयो मती एक बात है कि बताओ माता बहनों के पेट में बात रुकती नहीं है देखिए वही बात चल रही है। क्या बात है बात बहना एक जी है जय हो बात केवल बहना एक जी है भगवान कन्हैया ने सत्राजित के भाई प्रसेन को माधव मर के लालच में हाय दद्दा अब तो हल्ला उड़वे लगो और बाढ़ वो तो चली गई और सोई के बाद खोले को खोले रह गए वो दूसरी बहनते गई कह वे तो जो कुतिया आएगी तो झप्पड़ झप्पड़ करके पूरा मठा फैलाएगी देख लो जय हो। आज झब्बर झब्बर करते हुए पूरा मठा फैला गई और वो दूसरी काड़ रही गैया जय हो दूसरी काड़ रही गैया
बोली बहना क्या एक बात बताए आई हूँ बताइयो। जो बाने कही बहना द्वार का पुरी में तो बड़े बुरे बुरे कर्म है उठे का है गो बहना बहना सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। अच्छा अच्छा ये गोवर्धन भैया सब्जी वाले और हमें 51 रुपये भेंट करते हैं। भगवान उन्हें सुख शांति प्रदान करें। श्री राधे जय हो। अब बड़े अच्छे विचार जो बाने कई बहना सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। जो इतनी की सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया वो बान गई तो जी वो एकदम गैया और चिटके लात मारी जो है गई के जो लात लगी बहराएगी जैसे बादला भैंसिया लड़ो रही हो तुम्हारे ऊपर है कि उल गई काई हमने गई शास्त्री आज बड़ा विचार करने लगे। द्वारकापुरी में धीरे धीरे तहलका मच गया। भगवान कन्हैया के द्वारकापुरी में गोचर पोचर होने लगी। कहने लगे भगवान कन्हैया सिंहासन से क्या बात है जो ये चर्चा चल रही है। कहने लगे महाराज द्वारकापुरी में तुम्हारी बुराई हो रही है। पार्षद कहने लगे क्यों सत्राजित के भाई प्रसेन का किसी ने वध कर दिया मड़ी को छीन लिया तो ये हल्ला मच गया कि कन्हैया ने मड़ के लालच में सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। ओ हो लेना ही कुल देना दो भैया अगर झूठो नाम आ जाए मर्डर में मर्डर के समय 302 में झूठो नाम आ जाए तो पतो है धरती आकाश दिखाई दे जाते या 302 धारा के माए हरे पेड़ सूख जाते पत्रकार जी। ये मामूली नहीं है किसी आदमी का वध करना। आज भगवान के नहीं आगो बढ़ा चैन नहीं पड़ा मेरे कुल में आगे चल करके कितनी बुराई होगी। अब तो मुझे ये दोष छुड़ाना चाहिए और क्या ध्यान लगाया के ये हमारी बहुत सेवा करने वाले मेरे राजा बाबू नाम है सचिन 101 रुपया हमें भेंट करते हैं। भगवान उन्हें सुख शांति प्रदान करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुझे तो यहाँ बहुत नीक लगो न काऊ काऊ जगह ऐसी मिल जाती है भैया
कैसी चो हमारे भत्ती भाई गांव तो है ना है। और नई नई जगह पे ऐसी पे जाते पत्रकार कि हमें साधना जी लगती है कि भगवान कितनी जल्दी समाप्त हो कथा तो बाबा टाटा करके चले। और कोई कोई जगह ऐसी मिल जाती है नारायणगिरी नारायण जी, नारायण जी की तरफ से 51 रुपया हमारे लिए ईमानदारी थे और 51 रुपया और 501 रुपया बेईमानी के। अरे हम का कह रहे 500 रुपये ईमानदारी के और ये भंडारे के लिए नारायण जी की तरफ से ले 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 लिखिया मुंशी बैठे हमारे। ठीक है बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन परिषद अंतिम दिन की विदाई तो खूब हो रही है। सभी भाई बंद जो जैसे हैं पान फूल लाए वो सभी जानता हूं मैं। आपका नगरी बहुत अच्छी है। सुखदेव जी बता रहे हैं भगवान कन्हैया ने ध्यान किया तो आगे बढ़े। जहां प्रसेन को शेर ने मारा था उसी जगह पर पहुंचे। हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। भगवान ने देख करके कि ये प्रसेन की हड्डी पड़ी है। अब वहां से बड़े ध्यान लगाया तो जामंत की गुफा पर पहुंचे। अपने साथियों से कह दिया आप गुफा के बाहर ही खड़े रहना, गुफा के बाहर, और मैं जा रहा हूं गुफा में देख रहा हूं क्या है। जो भगवान कन्हैया अंदर घुले तो जामंत की लड़की जामंती पलंग पर बैठी है और गुफा में और मरी लेकर के खेल रही है। मरी का प्रकाश हो रहा है। जो मरी लेकर के खेल रही है भगवान श्याम सुंदर ने मड़ी लेकर के खेल रही है और जो कन्हैया को लेकर के खेलने लगी पिताजी अहे ब्रह्माष्टमी शांति किसको बुला रही है। ये तेरे बाप से डरपने वाला नहीं है, तू बुला ले बाप को, तू मुझे जानती नहीं। भगवान ने मुरली पे हाथ धर के मुरली पे हाथ धर करके जो स्वर निकाला बंसी बजाई तुरंत एकदम हो गई। अब तो कन्हैया के चरणों में पड़ गई। भगवान श्याम सुंदर और जामंती दोनों मड़ी लेकर के खेल रहे। आज मड़ी को लेकर के खेल रहे हैं। अरे भैया ने पतली आवाज करो, थोड़ी आवाज खोलो, आवाज ज्यादा दब रही है, सीटी न मारे। आज बड़ा विचार करते हैं काय को भंडारे को दे रहे हो तो मां दे दो। अच्छा माय ले ईमानदार आदमी है तुम तो जे हमारे लिए बहुत अच्छे। हाँ 101 रुपया ना 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 हाँ 50 रुपये बहुत अच्छे 50 रुपये अमर सिंह भैया हमें देते हैं। भागवत में भेंट करते हैं और भंडारे में लिखा रहे हैं, वो बाद में नाम आएगा सूची में। आज बड़ा विचार करते हैं और मड़ी लेकर के दोनों खेल रहे हैं। बाद में जब जामंत आया है अरे चो आज गुफा में आओ देने कन ध्यान लगाओ Thank you.
अब तेरी मौती भी कटिया आई, अब कोई कोई नहीं लिए बचाई, वो तब माधव ने कथा सुनाई। दयाल सुने जब ते तब के दिल मेरे में ऐसी भक्ति है, ध्यान करें। दीन दयाल सुने जब ते तब के दिल मेरे में ऐसी भक्ति है, और को नाम बिचारी रहो में तेरे नाम की खेत कटी है। जाल में मीना फंसी है, तुम्हें छोड़ कब जाऊं कहां दे ते जल जाल में मीना फंसी है। ऐसी करो जब लाल बचे न तुम्हारी हती न हमारी हती है, तो मसीन है आवे फोटू बोलो गोविंद। गुफा में युद्ध छिड़ गया, लेकिन जामंत को पता नहीं था ये कौन है। धीरे धीरे भगवत प्रेमियों 27 दिन बरकरार युद्ध चला, 27 दिन बरकरार युद्ध चला, और युद्ध में पराजित हो गए। जामंत जब पराजित हो गए और मालूम पड़ गया कि ये त्रेता युग में राम थे वो ही आज कृष्ण अवतार हुआ है, सो पैर पकड़ लिए। जामंत ने अपनी लड़की जामंती का विवाह भगवान योगी राज कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दे दी। बोलो गोविंद भगवान की। आज मणि लेकर के जामंती लेकर के पधारे। जब सभा में आए तो सत्राजित को बुलवाया गया। अरे सत्राजित भी तुम्हारे भाई को मारा शेर ने, जो फलानी जगह पर हड्डियां पड़ी हैं, और शेर को मारा जामंत ने, जो जामंत की गुफा तक शेर की हड्डियां पड़ी हैं, और जामंत की बेटी जामंती पे ये मड़ी मिली, तो हम मड़ी ले आए और मड़ वाली को भी ले आए, मड़ी ले आए और मड़वाली को भी ले आए। मड़वाली ये है,
और मरी लो जो मरी दई सोई संतरा जी थे एकदम शर्मिंदा हो गए। महाराज मुझे क्षमा करो, अपनी लड़की सतभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया, वो भी पटरानी थी। बोलो गोविंद भगवान की। ये भगवान कन्हैया आठ पटरानियों के वर्णन हो रहे हैं।